अगर इस लिवर को कुछ भी बिगड़ा तो हमारे शरीर की सारी प्रोफाइल्स बिगड़ जाएंगी। तो लिवर हमारे शरीर का एक तरीके से वो अंग है जो पूरी बॉडी को कमांड देता है, पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, पूरी बॉडी को कई प्रकार के खतरों से बचा के रखता है। थोड़ा पास्ट में चलते हैं, कई हजारों वर्ष पूर्व जब हम पत्तियां खाते थे, फल खाते थे या हरी सब्जियां खाते थे, मतलब जंगल में रहते थे, जब हम एवोल्यूशन के दौरान जंगल में रहते थे, आदि मानव थे, उस समय हमारा भोजन मोस्टली यही हुआ करता था, नेचुरल चीज, प्राकृतिक चीज है। लेकिन आज के समय पे कई प्रकार के केमिकल से युक्त चीजें हम खा रहे हैं, जैसे सॉस हो गया, चाउमीन के अंदर अजीनोमोटो का यूज किया, कई प्रकार के केमिकल्स का, ऊपर से एलोपैथिक मेडिसिन हम लेते हैं ठीक होने के लिए, तो वो भी एक केमिकल कंपाउंड है। तो इन सारे केमिकल कंपाउंड की लिवर के अंदर कोई मेमोरी स्टोर नहीं, ऐसा समझ सकते हैं आप। लिवर के पास, लिवर ने कई हजारों वर्ष का समय हमारी बॉडी के अंदर तय किया है उन हरी सब्जियों के साथ, उन फलों के साथ, उन नेचुरल प्रकृति से प्राप्त होने वाली चीजों के साथ जो हमारे शरीर ने खाया है। तो उस लिवर की जो सेल्स होती है वो प्राकृतिक चीज है। जैसे मैं त्रिफला पाउडर यदि दूं तो 100% एब्जॉर्ब करके बॉडी को वो सर्कुलेट कर देता है, लेकिन उसके अलावा कोई केमिकल यदि दूं तो एलोपैथी में एक प्रिंसिपल चलता है, LD50 प्रिंसिपल, जिसको लीथल डोज 50 प्रिंसिपल बोलते हैं। मतलब अगर पैरासिटामोल मैंने 500 मिलीग्राम आपको दी है तो 250 मिलीग्राम लिवर के अंदर स्टोर हो जाती है और 250 मिलीग्राम आपके ब्लड में रिलीज कर दी जाती है, जिसके थ्रू आपका फीवर डाउन होता है। ऐसा ही ऑलमोस्ट सारी चीजों के साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे आप लंबे समय तक इसका सेवन करते हैं तो लिवर अपना आकार बड़ा कर लेता है और बॉडी के अंदर वो 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल भी रजिस्ट कर जाती है, जिसकी वजह से उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। तो इससे समझ में आता है कि धीमे धीमे ऐसे केमिकल वाली चीजें खाने की वजह से हमारे लिवर के अंदर वो केमिकल स्टोर होता जाता है। अब वो केमिकल जब लिवर के अंदर स्टोर होता जाता है तो केमिकल की वजह से या उस गंदगी की वजह से हमारे लिवर के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो एंजाइम्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। एंजाइम्स डिस्टर्ब होने की वजह से लिवर की सेल्स खराब होने लगती हैं और लिवर की सेल्स खराब होने की वजह से हमारा लिवर डैमेज होने लगता है।